ऑल राइट, तो इस गर्मी ने आपकी परेशानी बढ़ा रखी है। इस गर्मी ने आपको चिड़चिड़ा और चिपचिपा बना रखा है। अब आप चाहते हो एक अच्छा मॉडर्न स्टाइलिश जेंट दिखना, मगर ये गर्मी साली पूरा मूड बिगाड़ रखी है। मगर अब और नहीं जलमन, अगर बात इस गर्मी से निपटने की ही है, वो भी स्टाइल में, तो चलो आज इस गर्मी का भी कुछ कर ही लेते हैं। इस गर्मी को अब ज्यादा हावी ना होने देकर चलो अब इसका भी मजा स्टाइल में ले लेते हैं। जी हाँ, पांच ऐसे गर्मी के एक्सेसरी जलमन जो आपको स्टाइलिश ही नहीं, जो आपको सेफ ही नहीं, बट स्टाइलिश और सेफ दोनों एक साथ रखेगी। तो चलो शुरू करते हैं जलमन। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स नेचुरल डेंटल। ओके, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ और पांच ऐसे चीज़ों के नाम बोलूँ, पांच ऐसे एक्सेसरी के नाम बोलूँ जो आपको स्टाइलिश और सेफ दोनों रखेगी इस गर्मी में, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का दूसरा तीसरा लिंक खोल के एक बार देखना पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम लिंक, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक और मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक, जहाँ पे आपको 260 से भी ज़्यादा लाइफस्टाइल वीडियोस, फैशन, ग्रूमिंग, स्टाइल, फिटनेस वीडियोस देखने को मिलेंगे। और मेरा इंस्टाग्राम पेज पे आपको हर दिन स्टाइल, फिटनेस, ग्रूमिंग, बिजनेस मोटिवेशन देखने को मिलेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी मिस करें, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी मिस करें। एक बार लिंक चेक करें, आप खुद ही देखें और फिर जो करना वो करें। एनीवे, एक बार जब आपने ये कर लिया, एक बार जब आपने दोनों चीज़ें कर ली हैं, चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जलमन, जो सबसे पहला चीज़ मेरे लिस्ट में है इस गर्मी के लिए, वो कोई स्टाइल आइटम नहीं है, बट एक कमाल की और बहुत आवश्यक, बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है। वो है एक डिसेंट सा सनस्क्रीन, SPF 25 या ज़्यादा का एक डिसेंट सा आपके बजट का सनस्क्रीन। देखो, बात बड़ा सिंपल है, लॉजिक बड़ा आसान है। एक अच्छा सनस्क्रीन आपके चमड़े को जलने से बचाएगी, जो आपको काले होने से बचाएगी, आपको स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रैशेज या आपको इरिटेशन नहीं होगी, जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आधे से आधा जन इंडिया में ये लगाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जाके अलग अलग सनस्क्रीन ट्राई करें, जो आपके बजट में है उसको पिक करें और प्लीज़ डेली यूज़ करें। बाहर जाने से पहले मुँह पे, कंधे पे, मुँह पे, गर्दन पे और अपने हाथ पे लगाएं और फिर वापस आके आप मुझे थैंक यू बोलें, क्योंकि ये चीज़ बहुत सही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर हाँ, सनस्क्रीन के बाद जो ये दूसरी चीज़ है जलमन, ये तो मेरी एक फेवरेट चीज़ है, ये है मेरे प्यारे चश्मे। अब मेरे फेस टाइप के हिसाब से, मेरे फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से, मुझे रेबान के एविएटर्स बहुत पसंद है। मैंने काफ़ी सारे खरीद रखी है, मैंने शायद 3-4 रखे अपने पास, हमेशा रखता हूँ और ये मैं ऑलमोस्ट हर दिन पहनता हूँ, क्योंकि ये मेरे आँखों को गर्मी से बचाती है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स और कोने में झुर्रियाँ आने से बचाती है, और हाँ, मुझे स्टाइलिश भी हमेशा रखती है। तो फिर क्यों नहीं, आप जाके अपना एक फेवरेट सनग्लास चूज़ करो, आपके फेस पर जो सूट करे, आपके फेस कट, फेस स्ट्रक्चर पर जो सूट करे, खरीदो और पहनो और प्लीज़ ट्राई करो हर दिन पहनने के लिए। जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो, इसे डालो और फिर बाहर जाओ। कभी भी घर से बाहर निकलने से पहले कृपया कर इसको अपने आँखों में डालें, फिर बाहर जाएं और जो भी करना करें। मगर हाँ, सनग्लास का इंपॉर्टेंट समझें, सनग्लास को अपने वार्डरोब में प्लीज़ इस गर्मी में रखें। एनीवे, तीसरा समर एसेंशियल आइटम, तीसरा समर एसेंशियल एक्सेसरी जो मुझे लगता है हर बंदों के पास इस गर्मी में होना चाहिए, वो है एक अच्छी घड़ी। कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं, एक अच्छी ऑटोमेटिक घड़ी। अगर आपने अभी तक ऑटोमेटिक घड़ी कोई ट्राई नहीं की है, तो मैं ये घड़ी चाहूँगा आप ट्राई करें, कोलमैन कलेक्शन की है। ऑटोमेटिक घड़ियाँ थोड़ी महंगी होती है, लेकिन उसके हिसाब से ये बहुत बहुत बजट फ्रेंडली घड़ी है। इसका बॉक्स, इसका अनबॉक्सिंग, इसका फिट और इसके ये जो प्यारे बटरफ्लाई क्लैप्स, आई मीन ये सब चीज़ें आपको इस बजट में नहीं मिलती आसानी से। मुझे ये घड़ी बहुत पसंद है, मैंने इस घड़ी के बारे में 3-4 वीडियोस पहले बना चुके अपने हिंदी चैनल, अपने इंग्लिश चैनल पर। अगर आपको वीडियोस देखनी है, इंडेक्स का क्लिक करें, वो सारे वीडियोस देखें और फिर थोड़ा और इस घड़ी के बारे में जानें। हाँ, और एक बात, अगर आपको ये घड़ी अभी लेनी है और इस पर एक अच्छा सा डिस्काउंट चाहिए, तो मेरा कोड Mayank50 यूज़ कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक चेक करके उसमें आपको $50 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा और $30 डिस्काउंट आपके पहले घड़ी में तो आसानी से मिलना ही है। वो तो आपका पहला ऑफर, मेरा और कोलमैन कनेक्शन का ये हमारा एक ऑफर है जो इंग्लिश चैनल पर हमने बात किया है उसके बारे में, मगर हिंदी चैनल में पहली बार बोल रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद है ये घड़ी, अगर आपको ये घड़ी लेनी है अभी, तो फिर कोलमैन कलेक्शन वेबसाइट, Mayank50 को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में $50 गिफ्ट का, $30 ऑफ, सब कुछ आपके लिए। एनीवे, चौथा एसेंशियल समर एक्सेसरीज, चौथा एसेंशियल गर्मियों का एक्सेसरी जो मुझे लगता है सब स्टाइलिश बंदों के पास होना चाहिए, वो है ये नो शो सॉक्स। ये बड़ी छोटे सॉक्स होते हैं, ये ऐसे सॉक्स हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, आई मीन आप जब ये जूतों के साथ पहनोगे, स्पेशली अपने फैशन स्नीकर या कॉन्वर्स के साथ पहनोगे, तो ये सॉक बाहर निकल के दिखती नहीं है, जो काफ़ी गंदा लगता है, काफ़ी अजीब सा लगता है। मैं तो बिना सॉक्स के ही शू पहनता था पहले, जब मुझे इन सॉक्स के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है। अब मेरे जूते में से गंदी सी बास नहीं आती, अब मेरे पाँव में से वो गंदी सी बास नहीं आती, क्योंकि ये सॉक्स एक
बहुत अच्छी लाइफ सेवर है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इनके कई सारे कलर्स भी आते हैं, कई सारे ब्रांड्स बनाते हैं, एक बार जाओ ट्राई करो, खरीदो, पहनो, फिर पता चलेगा मैं क्यों इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। मगर हाँ, वो आखिरी चीज़ जो आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे हर टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम पहनते हुए इस गर्मी में, वो है एक काली टोपी। अब मुझे काली टोपी इतनी इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे काली टोपी बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर मुझे वाइट या ग्रे टोपी इतनी आसानी से मिलती तो मैं वाइट और ग्रे टोपी की भी बात करता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल गया तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। लेकिन हाँ, काली टोपी ऐसा प्लेन सा सॉलिड सा बेसबॉल काली टोपी, ये मेरे हिसाब से एक समर वार्डरोब में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब जन इसके बारे में बोलते नहीं है, सब जन इसको डिस्कस करते नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका स्टाइल यूज़ है। यह आपके सर को ठंडा रखती है, यह आपको गर्मी से धूप से बचाती है और हाँ, आपको काफ़ी स्टाइलिश भी रखती है। अगर आपको आउटफिट्स देखने हैं मेरे इस टोपी के साथ तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक चेक करो, एक बार देखो, आपको कई सारे आउटफिट्स देखने को मिलेंगे मैं और मेरे टोपी में। एनीवे जेंटलमैन, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये पाँच चीज़ें हेल्पफुल लगी तो मुझे बताना मत भूलना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। अगर हाँ, आपको कुछ लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे अपने वार्डरोब में रखना चाहिए इस गर्मी के लिए, तो आप वो भी लिखना इन द कमेंट सेक्शन में मत भूलना। मैं पढ़ूंगा, मैं भी थोड़ा कुछ सीखूंगा और फिर हम और आप दोनों कुछ सीखेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। नहीं भाई, मैं जाता हूँ और वीडियोज़ बनाता हूँ। आप ना भूलें अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, स्टाइलिश दिखना, तंदुरुस्त रहना और अपने सेहत का भी बहुत ख्याल रखना। मिलता हूँ अगले में। ड्रेस शार्प, स्टे स्ट्रांग, स्टे स्टाइलिश। मेरा नाम है मयंक भंडसारिया। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चेयर्स। चलो शुरू करते हैं।